नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और वसूली कांड के बीच सचिन वाजे को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए सूत्रों ने बताया कि साउथ मुंबई के 5-स्टार होटल, जिसके सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड्स की जांच कुछ दिनों पहले एनआईए ने की थी, वहां पर सचिन वाजे ने 100 रातों के लिए रूम बुक कराया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में संसद में ऐलान किया है कि 1 साल के अंदर भारत के सभी टोल बूथों को हटा दिया जाएगा और नया जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के जानलेवा प्रकोप से बचने के लिए पीएम मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वायरस का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण के मामले में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। 132 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 47,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 275 लोगों की जान चली गई। देश में आज 1 लीटर पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हो गया है, वहीं डीजल के दाम में 17 पैसे की कटौती की गई है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15 दिनों में 10% की कमी देखने को मिली है। शशि थरूर जैसी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को लेकर एक मोबाइल ऐप अपना प्रचार करने में जुटी थी, जिस पर अब कांग्रेस नेता ने कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। देश की राजधानी में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो वहीं भीड़ वाले इलाकों ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक आदेश के मुताबिक दिल्ली के वीकली बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थल सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मास्क बांटने उतर गए, ताकि कोरोना को लेकर लोग सावधान हों। मध्य प्रदेश सरकार मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम आयु के व्यक्ति को अब शराब नहीं बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन तय कर दी है। राज्य में अब शराब और बियर की फुटकर बिक्री सीमा तय कर दी गई है। आज सप्ताह के 3rd कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302.03 अंकों की गिरावट के साथ खुला। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। कई दिशाओं से पूर्वांचल के लिए बड़ी संख्या में लगातार ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज 24 मार्च का दिन है, विश्व टीवी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में पूरे विश्व में टीवी से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गुजरात के सूरत में एक साथ 32 ऑटो रिक्शा चालकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सुपर स्प्रेडर की तलाश में चलाए गए अभियान के दौरान इन लोगों में वायरस के मिलने का पता चला है। सूरत में सोमवार को कुल 429 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सीजेएम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को सबूत न मिलने पर बरी कर दिया है। इन्हें लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई संदेश भेजा। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बाद इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा घेराव के लिए निकले आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के व्यवहार पर तेजस्वी यादव खासा नाराज दिखे। पुलिस की बर्बरता के लिए वो साफ तौर पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सभी विपक्षी दल एक सुर में इसकी निंदा कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र पर कातिलाना हमला हुआ है। ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एनसीबी ने 19 साल के एक कॉलेज स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, जो बॉलीवुड के बड़े सितारों को ड्रग्स सप्लाई करता था। एंटीलिया केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई की है। 86 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 अधिकारी शामिल हैं। नोएडा स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 16 अप्रैल से की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस समारोह में 16 और 17 अप्रैल तक खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा, जबकि 17 और 18 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अभिनेता राणा दग्गुबाती की महत्वाकांक्षी जंगल एडवेंचर ड्रामा फिल्म हाथी मेरे साथी अब 26 मार्च को रिलीज नहीं होगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल इस फिल्म के रिलीज डेट को स्थगित कर दिया गया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। थलाइवी का ट्रेलर लॉन्च 2 जगह पर हुआ। पहले तो इसके लिए कंगना चेन्नई गई, फिर कंगना ने मुंबई में आकर ट्रेलर लॉन्च के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इमरान हाशमी आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीरियल किस्सा का टैग पा चुके इमरान हाशमी ने अपने काम की वजह से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
पिछले दिनों कई बॉलीवुड सितारों ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद फोटो शेयर कर लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया था। अब इस कतार में संजय दत्त का नाम भी जुड़ गया है। संजय दत्त ने फोटो शेयर कर कोरोना वैक्सीन लेने की जानकारी दी है। अभिनेत्री सारा अली खान ने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में सारा समंदर किनारे चिल करती नजर आ रही हैं। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।